नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत कोतरू, पोडियाट्रिस्ट और वुंड केयर स्पेशलिस्ट। पोडियाट्रिस्ट बेसिकली क्या होते हैं? फुट एंड वुंड को ट्रीट करने वाले। हम अंडर द फील फुट डिपार्टमेंट हम कंप्लीट फुट और वुंड केयर सॉल्यूशंस देते हैं। इसमें प्रिवेंशन से लेके चाहे बचाव करना, जैसे डायबिटिक वालों के पैर बचाने से लेके अगर किसी को वुंड हो जाता है उस वुंड का ट्रीटमेंट, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को प्रॉब्लम आती है जैसे उंगली काटनी पड़ती या पैर काटना पड़ता या लेग काटनी पड़ती, तो उसका भी रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन हम अंडर वन रूफ देते हैं। इवन हमारे वुंड्स के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड हाइपरबारिक चैम्बर भी लगे हुए हैं अपने यूनिट में। अंडर वन रूफ हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, प्लास्टिक के साथ एसोसिएशन, ऑर्थोपेडिक के साथ एसोसिएशन, वेस्क्यूलर, डायबिटीज कंट्रोल और अदर सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए हमारे पास पूरी टीम है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते, मिस्टर राजन जी आए थे जिनका क्रश इंजरी हुआ था, उनका पैर बचाने के लिए पूरा प्लास्टिक टीम आके उन्होंने उनका पैर बचा दिया जितना भी मैक्सिमम। उस दौरान बचाने के दौरान उनकी एक अंगूठा और दो उंगलियां कट गई, फिर भी बाकी पैर बचाया गया। फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, जब उनका पैर बचाया फिर उनको चलने में प्रॉब्लम आ गई, उनका बार बार जख्म नीचे प्लांटर एस्पेक्ट पे दूसरे मेटाटार्सल हेड पे बनने लगा। तो वो पिछले एक साल से वो उससे ग्रसित थे, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो हमने स्पेशलाइज्ड उसको ऑफलोड करके पहले उस वुंड को ठीक किया, जख्म को ठीक किया, फिर उसके बाद उनको वैसे ऑर्थोटिक और एक प्लेट बना के दे दी और वो फुटवेयर ऐसे बना के दिया, उसकी वजह से वापस उनका रेकरेंस पिछले 2 से 3 साल से नहीं बना है जख्म। दूसरी बात, उनकी फिर जिस चौथी उंगल थी उसमें भी वापस बन रहा था जख्म, क्योंकि वो टेढ़ी हो गई थी, जैसे ये क्लॉट हो हम बोलते, तो उसको भी स्ट्रेट किया गया ताकि उस पर प्रेशर नहीं आए। अब उसको भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो पिछले 2 या 3 साल से इस पेशेंट का वापस जख्म नहीं बना, उसके लिए ऑलरेडी पेशेंट भी अपने बारे में बता रहा है इस टेस्टिमोनियल में। थैंक यू। मेरा नाम राजन है और मेरी उम्र 26 साल है। 2019 में जलंधर से आते आते मेरा एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से, जिसकी वजह से मेरा फुट क्रश हो गया था। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स अमनदीप हॉस्पिटल में लेकर आए, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी पैर अच्छी तरह से ठीक हो गया था। फिर चलने से मेरे जख्म बनने शुरू हो गए, वो जख्म काफ़ी देर तक भर ही नहीं रहे थे। फिर मुझे फील फुट डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया, फिर मैंने यहाँ पर आया और डॉक्टर भरत ने काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट किया मेरा। उन्होंने उस जख्म को 2 महीने के अंदर अंदर में भर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेशल फुटवेयर मुझे दिए, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से अब मैं बिल्कुल अच्छे से चल फिर रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल फील फुट डिपार्टमेंट एंड अमनदीप हॉस्पिटल।